क्या हर एडवेंचर स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम नहीं होता? क्या हर एडवेंचर की शुरुआत प्रॉब्लम से नहीं होती? बार बार गिर करके उठने में और वापस से ट्राई करने में क्या ये एडवेंचर नहीं है? इसमें जितना मजा है और किस चीज में है इस दुनिया? क्या आपने काम किया और उसमें फेल हो गए, अब उसको सोल्यूशन निकालो, क्या ये एडवेंचर नहीं है? अगर आपने इसको एडवेंचर जेन्युइनली समझ लिया तो क्या होगा, सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटी होगी। अब प्रॉब्लम को एडवेंचर नहीं समझा, प्रॉब्लम से डरते रहे तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो फिर भी आएंगी। क्या हुआ आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या हुआ ऐसे मोमेंट में? कम हो गई, खत्म हो गई। और जैसे उसको एडवेंचर देखा तो क्या हुआ, मजा आ गया, गिरे और एक्साइटेड हो गए। बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है? अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, दो बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है क्या? कोशिश करते रहना। हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है, इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता?